उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जी, लहू लुहान हुई पड़ी थी। वो चिल्ला रही थी, अंकल जी मेरे को बचा लो, अंकल जी मेरे को बचा लो। तो फिर मैंने उनको थोड़ा सहारा दिया, बिठाया, मैं भी खून में लथपथ हो गया। फिर मैंने अपने घरवाली को बुलाया, बेटे की मिसेज है उनको बुलाया, उन्होंने उसको उठाया, बिठा के चेयर पर बिठाया, पानी पुनी पिलाया। उसके बाद फिर मैंने वो उनके हस्बैंड को टेलीफोन किया, तो 15-20 मिनट इस चक्कर में लग गया आने जाने में। फिर हम इसको बाद हॉस्पिटल ले गए। यहाँ कोई आवाज़ आती नहीं सर, लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। वो तो वहाँ से कूद गए, ये नहीं पता चला बेचारी कितनी वहाँ से कूद दी, उठी और कैसे यहाँ हमारे आगे पड़ गई। क्योंकि शाम को हम यहीं बैठते हैं थड़ी पे, उससे कर से बैठते रहते हैं, आपसे बातचीत करते रहते हैं। हाँ, अगर वो हिम्मत से काम ना लेती तो शायद उसका काम तमाम कर जाता। वो बहुत ही स्ट्रगल करा उसने, सेफ का भी ऐसे लगा लो। कई बार हमने पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट किया, भाई एक दो राउंड लगा दे करो, कोई आता जाता तो है नहीं, ना कोई सुनवाई करता है। देखिए, सेक्टर 17 जगाधरी में आज ये घटना हुई है। एक महिला है जो उस टाइम घर पे अकेली थी, तो लगभग 11:20 के दिन में कोई व्यक्ति आया, उसने सामने के दरवाजे से डोरबेल बजा के उनसे पानी मांगा, तो उन्होंने इसको पानी दे दिया। और उसके लगभग 20 मिनट के बाद वही व्यक्ति पीछे से, जो इनका पीछे का कॉरिडोर एरिया है उसमें, दीवार से जंप करके अंदर आया है। और उसने अंदर घुस के और इनसे इनके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इन्होंने बचाव की कोशिश की और फिर उस व्यक्ति ने जो सामने घर का मेन दरवाज़ा है वो बंद किया, तो इतने में वो महिला दोबारा पीछे की तरफ निकल के और दीवार से कूद के उन्होंने अपना बचाव किया। तो ये घटना जैसे ही हमें पता चला तो पुलिस की टीम मौके पे आई है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी हम अपराधी को पकड़ें। देखिए, अभी ऐसा नहीं लग रहा है प्राइमरी चाइल्ड लीड जैसा बता रहे कि चोरी की मंशा, तो उसने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया घर में कोई चीज़ उठाने का, ना ही जो महिला जिस पर हमला किया उनको ऐसा कुछ कहा कि कोई चाबी दे दो या कोई वैल्यूएबल को, उसने ऐसी उनसे मांग नहीं की। तो वो एंगल, हालांकि उसको मैं रूल आउट अभी नहीं करता, बट प्राइमर सोसाइटी ऐसा नहीं लगता। 307 में हमने एक केस रजिस्टर किया है।